मॉनसून में आपदा राहत के इंतजामों की पोल तब खुलती है जब मॉनसून सर चढ़कर बोलता है और लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत मिलती है लेकिन आफत भी ये मॉनसून कभी कभी बन जाता है। जर्जर इमारतें आप देख सकते हैं, राजधानी जयपुर के परकोटे की ये तस्वीर है, ये अपने आप में बयां कर रही है तस्वीर की आखिर जर्जर इमारतों की हालत क्या है। आंकड़ा लगातार जर्जर इमारतों का बढ़ता जा रहा है लेकिन नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो हैं कि बेपरवाह बने हुए हैं। हर साल आपको बता दें कि मॉनसून से पहले नगर निगम जो था वो सैकड़ों की तादाद में जर्जर इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किया करता था और ये कहता था कि या तो आप अपनी इमारत गिरा लीजिए या फिर हम आपकी इमारत को सीज करके और उसके ध्वस्त करने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की जो लापरवाही की हद है वो भी पार हो गई। इस बार नोटिसेस भी जो हैं वही जारी नहीं किए गए हैं और जर्जर इमारतें जो हैं परकोटे के अंदर वो अब मॉनसून सर पर आने वाला है तब तक भी कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि किस तरह से नगर निगम के अंदर अधिकारी जो हैं वो बंदरबाट का खेल खेल रहे हैं और आम लोगों की जान के साथ यहाँ पर कभी भी खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर मॉनसून सर चढ़कर बोलता है और इन इमारतों के अंदर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ लवली बधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। चलिए इन जर्जर इमारतों को लेकर ही बात की जानी चाहिए, मैं शुरुआत यहीं से करता हूं और मनोज भारद्वाज जी आपसे जानना चाहता हूं, राजधानी में अभी जब कैमरा पर नहीं थे हम लोग साथ, आपने कहा कि करीब 125 इमारतों को आपने फाइंड आउट किया है, क्या कारण है, क्या कोशिशें हैं जो की जा रही है उसके बावजूद ऐसी इमारतों को ब्लॉक नहीं किया गया, सील नहीं किया गया? देखिए अश्विनी जी, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक राजधानी की बात है, मुझसे जेएमसी के नाते हमने लगभग 125 इमारतों को नोटिस सर्व किया हमने और इसकी लिस्टिंग आज भी हमारी जारी है। हम चाहते हैं कि ऐसे किसी कोई एरिया नहीं छूटे जयपुर शहर का जहाँ इस अतिवृष्टि के समय, भारी बारिश के समय कोई दुर्घटना हो या जानमाल की हानि हो। दूसरा, जेएमसी के नाते हम लोग नोटिस दे सकते हैं। दूसरा क्या कि एक सामाजिक रूप से एक चीज़ सामने आती है काफ़ी लंबे समय से कि उन बिल्डिंग्स पे कुछ लिटिगेशन भी होते हैं, कुछ किरायेदार होते हैं इसमें, कुछ के कोर्ट में केस पेंडिंग होते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं। रहेगा कोई भी नुकसान तो उसको होगा, किरायेदार हो चाहे मालिक। हम लोग इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने लगभग 125 के आसपास हमने नोटिस जारी किए हैं उनको और लिस्टिंग के लिए हमने आज भी निर्देश दिए कि खुद मानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि ये संतुष्टि वाली दलील है। देखिए मैं मुझे बता दीजिए क्योंकि हादसा हुआ तो जवाबदेह निगम। मैं आपको इसमें यह कहना चाहूंगा कि आज भी हमने अधिकारी को निर्देश दिए, अगले 3 दिन में हमने जयपुर शहर में जितनी भी ऐसी इमारतें हैं जो कि इस बारिश के सीजन में खतरनाक हो सकती है, गिरने की स्थिति में आ सकती है, जानमाल का नुकसान हो सकता है, उनकी लिस्टिंग हमने अगले 3 दिन में मांगी है और 7 डेज में। ज्योति जी एक कॉलर है, उनको लेकर मैं आपके पास लौटता हूँ। राजेंद्र जी अजमेर से, नमस्कार। नमस्कार साहब, आप सबको बताए सर। मानसून तेज चल रहा है और इसमें ढोल की बोल खुल रही है, नगर परिषद नगर पालिका की पूरी जिम्मेदारी है, इसके बावजूद स्टाफ की कमी है, कई परेशानी है, उनको दूर करना चाहिए सरकार को, तभी काम सही बनेगा। जिम्मेदारी महसूस नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं बनेगा। धन्यवाद राजेंद्र जैन साहब आपका। ज्योति जी आप बता दीजिए, आपकी क्या जो मनोज जी बोल रहे हैं वो संतुष्टि लायक बात है या फिर कहीं इससे बढ़कर एफर्ट्स होने चाहिए? मुझे नहीं पता कि मनोज जी की जानकारी में नहीं है या मनोज जी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। जेएमसी की जो ये बात कर रहे हैं, जो जर्जर इमारतों को लेकर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वर्किंग रहती है वो ऐसी रहती है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वहाँ किराएदार और मकान मालिक का बड़ा झगड़ा है क्योंकि मकान मालिक तो वो मकान छोड़ के जा चुका है, किराएदार वो मकान खाली करता नहीं है। ऐसे में जो मकान जर्जर नहीं होते उनके लिए भी ये मौका होता है इस समय कि मानसून के दौर पर उस इमारत को भी जर्जर घोषित कर दिया जाए और उसको गिराने की कार्रवाई के लिए निगम से नोटिस दिलवाया जाए जिससे किराएदार उसको खाली कर दे या उस किराएदार से वो बिल्डिंग को खाली करवाया जा सके। ये धंधा नगर निगम में इस समय जोरों पर चलता है। एक्चुअली में जो जर्जर इमारत है, एक्चुअली में जो जर्जर इमारत है उसको तो नोटिस देने की कार्रवाई नहीं होती और अगर नोटिस देने की कार्रवाई अगर कर भी ली जाती है तो पिछले 2 साल में जो नोटिसेस दिए गए हैं क्या 2 साल में निगम उस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाता जिससे कि उस बिल्डिंग को गिराई जाती है? क्यों नहीं वो अधिकारी, मैं तो बोल रही हूँ कि जनप्रतिनिधि के तौर पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि पिछले साल और पिछले से पिछले साल 2 साल में जो नोटिस दिए गए थे उन नोटिस पे इमारत पे क्या गिरा दी गई और नहीं गिराई गई तो क्या निगम द्वारा उन इमारतों को गिरा दिया गया जिससे कि उन आप पैसा वसूल कर होती कार्रवाई, ये लीगल कार्रवाई ये है कि अगर निगम गिराएगा तो वो मकान मालिक से उसका खर्चा वसूल करेगा, उस स्तर पर गिराई जा सकती है।
लेकिन ये स्थितियां ये काम क्या आप दूसरा सवाल क्या इतना ही होगा, 125 इमारतें ऐसी हैं जो राजधानी में जर्जर हो चुके हैं जिनमें हादसे हो सकते हैं या फिर आंकड़ा कहीं बड़ा है? देखिए आंकड़ा भी बड़ा है और दूसरी बात जो बहाना जो बनाया जाता है कि लिटिगेशन है कहीं ना कहीं कानूनी उनमें है, तो 125 की 125 पर तो कानूनी नहीं है, कोई 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 पे तो कार्रवाई निगम दिखाए तब लगता है। एक भी इमारत को गिराने की कार्रवाई क्या निगम करेगा, या निगम के दिए हुए नोटिस पे एक भी इमारत गिर गई क्या? चलिए अब मैं तकनीक वाले पहलू पर आता हूँ और गठाला साहब आपसे जानना चाहते हैं कि तकनीक के लिहाज से क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो लोकल बॉडीज हैं वो मजबूत हैं, किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए सक्षम है? ये कुछ कमियां तो हैं ही अपने उसके सामने आ रही हैं, वही एडवांस प्लानिंग वाली बात है, पहले सर्वे नहीं करते कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है, 8-10 साल का पुराना एक्सपीरियंस है उसको आधार बना करके प्लानिंग बनाई जाए, तो ये चीज़ें तो जरूरी है ही हैं। और दूसरा ये है कि कई बार स्टाफ की प्रॉब्लम भी है, कई बार संसाधन जैसे आपने बताया जो है मड पंप है कहाँ रहना चाहिए क्या होना चाहिए, अचानक डूब रहा है तो उसके लिए बुलाने के लिए टीम पहले से तैयार नहीं, एक ये सब परंपरा चली आ रही है कि बरसात जब ऐलान हो जाएगा बरसात आने वाली है मॉनसून इतने दिनों पहले आएगा, लोकल बॉडीज में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान डिस्कस किया जाता है कि क्या टारगेट होगा, नाले कितने साफ होंगे, किन गलियों पर क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन क्या ये रस्म अदायगी का काम काफी है या फिर जो खामियां पहले रही हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, जो जर्जर इमारतें हैं वो मानसून से पहले टूट जानी चाहिए, उनको निगम की ओर से सील कर दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि हम हादसों का इंतजार करते रहें। जैसा कि मनोज जी का एक हादसा हुआ, हमने 15 मिनट बाद टीम भेज दी, लेकिन ऐसी घटनाएं हो क्यों, जहां लगे संभावनाएं हैं वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कठाला साहब ये तो राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति दोनों चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि जैसे लिटिगेशन का तो इतना बड़ा आधार नहीं है क्योंकि कोर्ट से भी परमिशन ली जा सकती है कि साहब दिस द बिल्डिंग इज हैजार्डस और हम इसको सील कर रहे हैं, तो कोर्ट परमिट करता है, ऐसी दिक्कत नहीं है, ये तो इनको इच्छा शक्ति कमजोर है यहाँ कहना चाह रहे हैं जी। बीकानेर से इंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार ओझा साहब। नमस्कार सुनी जी, बताए सर। मालिक साहब देखिए ये आज जो डिबेट चल रही है मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये हर साल ऐसी समस्या हमारे सामने आती है और उसका मुख्य कारण मालिक साहब अगर ज्योति जी बैठी है बहुत सुलझी हुई कांग्रेस की नेता है, मैं ज्योति जी को कहना चाहता हूँ कि लंबी टाइम से सरकारें राजस्थान के अंदर आपकी रही है और स्थायी समाधान कभी ढूंढने का कभी कांग्रेस पार्टी ने काम किया नहीं पारिक साहब, तो ये समस्याएं एक साथ तो निपटने से रही पारिक साहब और होती है, हर बार होती है ऐसी समस्याएं, हर जगह है, बीकानेर में भी हमारे है, दूसरे जिले के अंदर भी है, लेकिन स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा तब तक पारिक साहब हर साल का सामना हमारे को करना पड़ेगा, जनता बिल्कुल वो समाधान कैसे होगा, क्या ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात की जा सकती है? माथुर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हमारे शहरों में बुनियादी काम है वो बाकी छोड़ दिया जाता है और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कोई हालत सुधर पाएगी। एक्चुअली इसमें जो मशीनरी है वहाँ का सेटअप है म्यूनिसपैलिटी का, वो पहले से इन चीज़ों का आंकलन करे कि क्या क्या बरसात में क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, किस तरह का ड्रेनेज सिचुएशन आ सकती है या बिल्डिंग डेलिकेट बिल्डिंग्स हैं उनकी भी आ सकती है, सारी चीज़ों का आंकलन करके पहले से पूरा का पूरा उसका एक वो बनाए, स्कीम बनाए कि हम आगे इनको सबको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई नए नाले बनाने होंगे तो नए नाले बनाए जाएँ और पुराने नालों की सफाई जो करनी है वो ही काफ़ी नहीं है, हो सकता है शहर बढ़ रहा है या पानी में उस शुरू में जो नाले बनाए गए उनमें कोई कमी रह गई है तो नए नाले बनाए जा सकते हैं। एक शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर सीवरेज और नालियां काफ़ी होती है या फिर कहीं प्लानिंग के दौरान इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, गलियाँ सड़क एनक्लोजमेंट इन सब बातों पर गौर करें और वो नहीं होता आमतौर पर? हाँ नहीं, प्लानिंग में तो ड्रेनेज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रेनेज और सीवरेज तो होने ही चाहिए उसके ड्रेनेज साथ। के नाम पर हम लोग यही मानते हैं कि नाली होनी चाहिए और सीवरेज होना चाहिए। हाँ, नाली और सीवरेज होना चाहिए और अब जो जैसा मैंने सुझाव दिया कि हम एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी अगर बना लें तो उससे कई फायदे होंगे, हमें बहुत गहरी और बहुत लंबी लंबी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाने पड़ेंगे, जगह 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 हम पानी को इकट्ठा करके और वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर में डाइवर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ज्योति जी के पास आऊँगा उस बात को लेकर कि जहाँ फंड्स की बात हो रही थी, उससे पहले कृष्णा कौरानी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कृष्णा जी। नमस्कार, बताइए।
सर मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे उप जो मेयर साहब बैठे हैं इनसे एक निर्देश और एक निवेदन करूंगा कि मनोज जी हमारे सेक्टर 50 में 351 से लेकर पूरी सिवरेज जाम है और हमने जो है नगर निगम को संबोधित जो इंस्पेक्टर उनसे बोल दिया, सबको बोलने के बाद में एक ही बात कहते हैं कि साहब हमारे को अगर वहां से कोई साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो सिवरेज खुल जाएगी। आज हमारे हालात कॉलोनी की ये है कि गाड़ी निकालना तो बहुत दूर बदबू के साय में रहना पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी से ये कहना चाहूंगा, मनोज जी कितनी जल्दी करवाओगे, शहर को तो छोड़ो आप हमारी कॉलोनी की समस्या कितने दिन में हल करवाओगे। चलिए मनोज जी कोई जवाब देना चाहेंगे मैं सवाल पर हूँ। देखिए निश्चित रूप से ऐसी जो शिकायतें हमारे पास में आती है कहीं ना कहीं चीज अधिकारी कितने जवाब दे आप सुन नहीं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता हूं कि ये दिक्कत नहीं है इनके साथ में। अगर निश्चित रूप से ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, वार्ड 50 का मामला मैं इसको कल ही दिखलाता हूं। और निश्चित रूप से मैं जो कॉलर इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये समस्या मैंने सुनी आपकी और निश्चित रूप से इसका निदान जो है बहुत जल्दी मैं कर। चलिए ज्योति जी अब आपके पास में आ रहा हूँ। रेल मगरा वाली बात हो रही थी तब हमने सुना था कि आपदा राहत को लेकर मीटिंग हुई, उसमें आपदा राहत मंत्री ने 10 लाख रुपए का फंड रखा, जिस पर आपने एक कमेंट भी किया कि क्या 10 लाख रुपए काफ़ी होंगे, ऊंट के मुंह में जीरा है। ऐसे हालात में एक तरफ संसाधनों का रोना, अफसर रोते हैं और दूसरी तरफ पैसे की किल्लत। मैं क्या सच में कहना चाहूँगी दोनों तरफ से परेशानी है। पहली बात तो जिस तरह का फंड अवेलेबल करवाया गया है वो अपने आप में एक मजाक है। जब इस तरह की स्थितियां वहां पर हों, लोगों को वहां से शिफ्ट करना, दूसरी जगह पर बसाना, उनके वहां खाने पीने की व्यवस्था करना, जो पानी वहां पर भरा हुआ है 8-8 फीट उसको निकलवाना, उसके निकलवाने के संसाधन उपलब्ध करवाना, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों की ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो फंड उपलब्ध करवाया जाता है उसका भी क्या ऑप्टिमम यूज हो पाता है, क्या वो सिर्फ बंदर, मतलब एक तरीके से क्या वो एक जरिया है अधिकारियों की और ज्यादा इस भ्रष्टाचार में शामिल होकर के उसकी बंटवारा करने का। ये सब पहलू जो है वो बहुत चिंताजनक स्थिति में है और ऐसे में केवल एक छोटी सी घोषणा कर देना मुझे लगता है कि वहां की जनता के लोगों के साथ सरकार का एक मजाक बन करके रह जाता है कि हमारे बारे में सरकार इतनी संवेदनशील है। अभी जहां तक चर्चा हुई जिस तरह की आपने जर्जर इमारतों की बात की, जिस तरह से लोगों ने कहा कि सीवर की, मैं सीवर के मामले में बात कहना चाहूंगी जो प्लानिंग के बारे में भी कही। परकोटे की जो सीवर लाइन है हमारे जयपुर शहर की, उसमें वो लगभग इतनी पुरानी हो चुकी है, जब पॉपुलेशन 2-3 लाख थी, आज वहाँ की पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ की सीवर लाइन चेंज हुए बिना आप उसकी वहाँ की सीवर लाइन की प्रॉब्लम को कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती। अब ये बड़ी प्लानिंग थी, इस प्लानिंग का जिस सीवर लाइन का टेंडर हो चुका हो नहीं उसका, अभी अपन फंड का रोना तो रो देते हैं कि नहीं हुआ, केंद्र सरकार से पैसा मिलने के नियम के तहत 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है, सरकार आती है समीक्षा के नाम पर उस टेंडर को कैंसिल कर देती है। चलिए आपने कर दिया कैंसिल, लेकिन दोबारा तो उस टेंडर को करिए। क्या आज परकोटा उस सीवर, उस पुरानी जर्जर सीवर लाइन के साथ ऐसी आपदा में लड़ सकता है जब उसका पानी की निकासी वहां पर उस जर्जर लाइन से नहीं संभव हो, जो रोज आए दिन जाम हो जाती हो, रोजमर्रा की स्थिति में ऐसे में बारिश के दिनों में वो कैसे उसको झेलेगी। लेकिन उस चीज को हम देख ही नहीं रहे, बल्कि कहीं ना कहीं उसको रोक दिया गया बिना किसी कारण के रोक देना, और फिर चलिए आपने रोक दिया कोई राजनीतिक कारण होंगे, कम से कम दोबारा उस टेंडर को होना चाहिए था। ऐसी स्थिति कमोबेश आप हर शहर की देख रहे हैं, जयपुर शहर के हम दो प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं इसलिए ज्यादा उसको मुक्त खुलकर के एक एक तथ्य के साथ बता पा रहे हैं, नहीं तो आपने चाहे अजमेर देखा हो, बीकानेर देखा हो, उदयपुर देखा हो, कोटा देखा हो, हर कोटा में तो हम मान करके चलते हैं बारिश के हालात ये होंगे, वहां पर बारिश हमेशा से अच्छी होती रही है, उसके बावजूद वहां पर स्थिति। मनोज जी इस पर आप जवाब दीजिए, ब्रेक लेंगे उसके बाद। देखिए जहां तक परकोटे की बात ज्योति जी ने कही कि मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो सीवर की समस्या के बारे में कही हमने, परकोटे का लगभग पूरा क्षेत्र स्मार्ट सिटी परियोजना के अंदर आ चुका है और लगभग परकोटे में 2400 करोड़ के आसपास हम लोग खर्च करने वाले हैं और निश्चित रूप से परकोटे का जो पूरा सीवर है हम लोग चेंज करने वाले हैं इसके अंदर है और बहुत जल्दी ये काम चालू होगा और इस समय अवधि के अंदर हम लोग परकोटे का जो पूरा सीवर की समस्या है, हमारा एक स्मार्ट सिटी में हमने जो एक प्राथमिक रूप से जो चीज़ ली है उसमें सीवर की समस्या भी मेन है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल जी सर उसकी अभी तक तो वर्क। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, इस सब से जुड़ी हुई एक और समस्या होती है बारिश के पहले जिस काम को किया जाता है वो होती है सड़कों के जो छोटे मोटे खड्डे हुए हुए हों, पैचवर्क का एक काम जिसको हम कहते हैं, जिससे कि बारिश बिल्कुल वो भी हमारे सामने हादसों का सबब बनकर आते हैं और ये जो तस्वीर है उस पर क्या बात हो सकती है।
ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आखिरी दौर में सुझाव और उन सुझावों पर अमल कैसे होगा जानेंगे मनोज जी से। देखते रहिए, जारी है।